हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान। आज हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ बिहू रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसका आपको आंसर्स पता लगना चाहिए और आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप अपने स्टेट के बारे में कुछ जान सकें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये 12 अप्रैल का करंट अफेयर्स है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड होम्योपैथी डे। व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड होम्योपैथी डे। इसका आंसर मैंने गलती से लिख दिया है, इसका आंसर है 10 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट इज, इन व्हिच स्टेट इज द पेंच टाइगर रिजर्व लोकेटेड। इन व्हिच स्टेट इज द पेंच टाइगर रिजर्व लोकेटेड। नेक्स्ट इज, व्हिच मिशन ऑफ नासा इज नोन एज सक्सेसफुल फेलियर। व्हिच मिशन ऑफ नासा इज नोन एज सक्सेसफुल फेलियर। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन नेम्ड एज विजडन लीडिंग क्रिकेटर 2020 इन फीमेल कैटेगरी। हु हैज़ बीन नेम्ड एज विजडन लीडिंग क्रिकेटर 2020 इन फीमेल कैटेगरी। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल सेफ मदरहुड डे 2020। व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल सेफ मदरहुड डे 2020। कभी कभी एग्जाम्स में थीम भी पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में डाला है। तो मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के डाल दिए हैं। वीडियो के अंत तक आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो फ्रेंड्स, आज सबको पता है कि आज बिहू है और हम लोग सब यहाँ पे घर पे लॉकडाउन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी बिहू टू ऑल ऑफ यू, स्टे होम स्टे सेफ। मैं आज आपको 10 क्वेश्चंस जो है वो बिहू रिलेटेड बताऊँगी, जो आपको पसंद आएगा और आप एंजॉय भी करेंगे अपने खुद के बिहू फेस्टिवल के बारे में जानने। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच लेजेंडरी अखोमिया पर्सन डिफाइंस बिहू एज बी मीनिंग टू गिव एंड हु मीनिंग टू टेक। मीन्स बिहू शब्द का मीनिंग गिव एंड टेक के बारे में, वो कौन से महान व्यक्ति है जिसने कहा था कि बिहू लेना और देना है। वो है कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा। वो है कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द बिहू फ्लूट यूज बाय बोरोस इज कॉल्ड सिफुंग, बट व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लूट यूज बाय मिसिंग पीपल इन देयर स्प्रिंग फेस्टिवल। जो हम लोग फ्लूट यूज़ करते हैं असामी, बोरो लोग उसे बोलते हैं सिफुंग, मिसिंग लोग क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं कुरुली एंड पुली। कुरुली और पुली बोलते हैं फ्लूट जो बाही होते हैं, बाही को बोरोस सिफुंग बोलते हैं और मिसिंग लोग कुरुली और पुली बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको, मिसिंग लोग कुरुली और पुली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 5 मेन इंस्ट्रूमेंटल ऑर्गन्स यूज इन बिहू डांस, व्हाट आर दे। सबको पता ही है क्या क्या है, ढोल ताल गगोना टका एंड पेपा। ठीक है, ढोल ताल गगोना टका एंड पेपा। तो फ्रेंड्स, मेरा चौथा क्वेश्चन है, हु डिज़ाइन द फर्स्ट बिहू फ्लैग इन 1952 एंड लेटर बिकेम ए स्टाफ इन असम ट्रिब्यून ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन। उनका नाम है नीप बोरुआ। उनका नाम है नीप बोरुआ। असम ट्रिब्यून ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन कब हुआ था, इसका डेट आपको बताना है। नेक्स्ट इज, नेम द ओनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु स्पेंड हाफ एन आवर एट लतासिल बिहुतोली इन द इवनिंग ऑफ अप्रैल 16, 1960। अप्रैल 16, 1960 में कौन से प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने आधा घंटा लतासिल बिहुतोली में बिताया था। उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने आधा घंटा लतासिल बिहुतोली में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, At the time of celebrating Domahi in Upper Assam, a particular festival is observed in Lower Assam. The main attraction of this festival is the marriage between two bamboos. What is the name of the festival? ये लोअर असम के लोगों को पता होना चाहिए, जो कि असम अपर असम में जो है एक पर्टिकुलर फेस्टिवल मनाया जाता है, उनका नाम है दोमाही। लोअर असम में दो बा का शादी होता है, उस त्यौहार को लोअर असम में क्या कहते हैं। कुछ आइडिया है फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उस त्यौहार का नाम है भूतेली। उस त्यौहार का नाम है भूतेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेम ऑफ द ढोल यूज्ड बाय बोरोस इज खाम, दिमासस
कॉल इट खम, बट वाट इज़ द नेम ऑफ द ढोल यूज बाई मिसिंग? बोरोज लोग क्या कहते हैं? खम. डिमासास लोग क्या कहते हैं? खम. और मिसिंग लोग क्या कहते हैं? डम डम. क्या कहते हैं? डम डम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्प्रिंग विच इज़ अप्रैल, विच ट्राइब ऑफ इंडिया सेलिब्रेट शत शुट मेन्सम फेस्टिवल? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्प्रिंग विच ट्राइब ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स शत शुत मेन्सम फेस्टिवल? वो है खासी ट्राइब जो कि मेघालय में है, मेघालय डिस्ट्रिक्ट में है. ठीक है. नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्प्रिंग विच ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्ट सेलिब्रेट्स द एनुअल फेस्टिवल्स ऑफ रजनी गबरा एंड हरिणी गबरा? रजनी और हरिणी ये दोनों फेस्टिवल कौन से एनी ट्राइब मनाते हैं? ठीक है, वो है दिमासा ट्राइब. रजनी और हरिणी दिमासा मनाते हैं. नेक्स्ट है, दिमासा कॉल्ड इट फली, हाउ इट इज़ बेटर नोन अमंग द ग्रेट असमीज कम्युनिटी? फली दिमासा लोग बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जो कि हम असमीज लोग गामोसा को दिमासा लोग फली बोलते हैं. ठीक है. तो फ्रेंड्स, मैंने 10 क्वेश्चंस बिहू रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आज डाल दिया है, क्योंकि आज बिहू है. कल से मैं आपको फिर से स्टैटिक जीके पार्ट बताऊंगी असम से रिलेटेड और नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा. अभी मैं आपको करंट अफेयर्स के आंसर बताने वाली हूँ. सो फ्रेंड्स, मैंने जो क्वेश्चंस आपको दिए थे वीडियो से पहले, उसके आंसर मैं अब बताने वाली हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड होम्योपैथी डे? इसका आंसर है 10th अप्रैल. नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन व्हिच स्टेट इज़ द पेंच टाइगर रिजर्व लोकेटेड? इसका आंसर है मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, दोनों का है, क्योंकि दोनों में ये पेंच टाइगर रिजर्व गिरता है. ठीक है. मध्य प्रदेश में और दो टाइगर रिजर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए, और भी है जो उसके नाम आपको बताना है. रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि पेंच टाइगर रिजर्व में एक 10 ईयर्स का टाइगर मर चुका है इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन अभी तक श्योर नहीं है कि वो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच मिशन ऑफ नासा इज़ नोन एज सक्सेसफुल फेलियर? यह है अपोलो 13. सक्सेसफुल फेलियर क्यों कहा गया है? उनका मिशन था मून में लैंड करना, लेकिन कुछ रीज़न के वजह से ये मून में लैंड नहीं कर पाए. ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो मून में लैंड नहीं कर पाए, लेकिन सक्सेसफुली ये अर्थ में रिटर्न आ पाए, इसलिए इसे सक्सेसफुल फेलियर कहा जाता है. आप इसके रिलेटेड एक फिल्म निकला था अपोलो 13 बोल के, आप इसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको और ज़्यादा नॉलेज आए इस विषय में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन नेम्ड एज विजडन लीडिंग क्रिकेटर 2020 इन फीमेल कैटेगरी? इसका आंसर है एलिजे पेरी. इसका पब्लिशन हुआ था विजडन क्रिकेटर्स एलमेनेक, जो कि है बाइबल ऑफ क्रिकेट. इसमें सारा न्यूज़ रिलेटेड टू क्रिकेट्स इज पब्लिश्ड. नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल सेफ मदरहुड डे 2020? इसका थीम है सेफ मदरहुड इन टाइम्स ऑफ कोविड 19. इसका थीम है सेफ मदरहुड इन द टाइम्स ऑफ कोविड 19. मदरहुड डे 2020 हमेशा कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11th अप्रैल को. नेशनल सेफ मदरहुड डे 11th अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है. ठीक है. सो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का वीडियो, जो कि है बिहू रिलेटेड और करंट अफेयर्स से रिलेटेड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब द वीडियो ऑल्सो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज मेनी एज यू कैन, बिकॉज जब आप शेयर करेंगे तभी ये वायरल होगा और तभी जो सीरियस एस्पायरेंट है उन तक ये वीडियो पहुँच सकेगा. सो थैंक यू.